सब्सक्राइब करें आईक्यू डेवलपर चैनल को और बेल को आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जब सारा देश व्यस्त था महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने में, यानी 14 फरवरी 2018 को देश के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला यानी 11,000 करोड़ का घोटाला सामने आता है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को बताया कि उसकी लोकल ब्रांच से 11,000 करोड़ रुपए फ्रॉड से निकाल लिए गए। एज यूजुअल हम बात करें, देश की दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को मौका मिल जाता है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का कि ये आपके गवर्नमेंट के समय में हुआ था। क्या है पूरा फैक्ट, कैसे ये पूरा फ्रॉड ऑपरेट हुआ, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आईक्यू डेवलपर। दोस्तों, इस पूरे केस को अगर हम आसान और संक्षिप्त शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, पीएनबी की एक मुंबई ब्रांच से एलओयू फ्रॉड तरीके से एलओयू यानी कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू किया जाता है। ये स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन की हेल्प से विदेश के दो इंडियन बैंक इलाहाबाद और एक्सिस बैंक को भेजा जाता है। ये बैंक पीएनबी की नॉस्ट्रो अकाउंट में डॉलर में लोन के पैसे को जमा करते हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट है जो पीएनबी का विदेश में किसी बैंक में होता है, और ये जो लोन का पैसा होता है ये बिलियनियर नीरव मोदी के द्वारा यूज किया जाता है कच्चे डायमंड परचेज करने के लिए। अब यहाँ पर आपके तीन टर्मिनोलॉजी सामने आई है नई, एक है LOU यानी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है स्विफ्ट ट्रांजेक्शन और तीसरी है नीरव मोदी। एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं LOU के बारे में। LOU यानी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक ऐसा लेटर जो ओवरसीज ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। LOU कैश या इमूवेबल सिक्योरिटी के बेसिस पर लोकल ब्रांच के द्वारा ओवरसीज ब्रांच को इशू किया जाता है। ये लोकल ब्रांच इस केस में पीएनबी की मुंबई ब्रांच है और ओवरसीज यानी हांगकांग में स्थित इलाहाबाद और एक्सिस बैंक थे। इस लेटर का मतलब है ओवरसीज बैंक इस लेटर के आधार पर नीरव मोदी को लोन देगा और ये लोन का पैसा पीएनबी के नॉस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट करेगा डॉलर में, और पीएनबी इस लोन की नीरव मोदी के बिहाव पे गारंटी देगा इन केस नीरव मोदी 180 दिन में उस लोन के पैसे को वापस नहीं करते हैं तो पीएनबी उसकी पूर्ति करेगा। ये टर्म 180 दिन का होता है, लेकिन कभी कभी इसे 6 महीने के लिए एक्सटेंड भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्विफ्ट की यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक तरह का फैक्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है बैंक की सहमति को LOU इशू करने के लिए। ये तीन लेयर की सिक्योरिटी से गुजरता है, एक बनाने वाला यानी मेकर, एक चेक करता है जिसे चेकर कहते हैं, और दूसरा होता है वेरीफायर। यानी थ्री लेयर सिक्योरिटी से ये कम्युनिकेशन गुजरता है। और सबसे मजे की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी स्विफ्ट के वायलेशन की कोई भी खबर नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है इस पूरे केस का नीरव मोदी। नीरव मोदी एक ज्वेलर है और ज्वेलर डिजाइनर है, गुजरात के रहने वाले हैं, फायर स्टार डायमंड ब्रांड है इनका। नीरव मोदी नाम से इन्होंने ज्वेलरी स्टोर 16 जगहों पे खोल रखा है। 83rd नंबर पे रिचेस्ट इंडियन है, फोर्ब्स की 2013 मैगजीन में इनका नाम छपा था। मुद्दे की बात यह है कि इस पूरे जो फ्रॉड है उसका पता कैसे चलता है। पीएनबी ने सीबीआई को बताया सोलर एक्सपोर्ट्स डायमंड आर यूएस एंड स्टेलर डायमंड, जिसके पार्टनर नीरव, अमी, निश्चल और मेहुल हैं, पीएनबी के पास जाते हैं बैंक क्रेडिट के लिए, और जिसके लिए बैंक उनसे 100% कैश डिपॉजिट मांगता है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन इनका कहना था कि 2010 में आपने बिना सिक्योरिटी दिए आपने ऐसे ही बैंक क्रेडिट को इश्यू किया था, लेकिन जब बैंक अपने रिकॉर्ड को तलाशता है, खोजता है, तो उसको ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं मिलता है जहां वो बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के उसने ऐसा कोई इश्यू किया हो। यहीं से मामला निकल के आता है LOU के फ्रॉड LOU इश्यू करने का। पीएनबी का कहना है कि उसके दो एम्प्लॉयों ने फ्रॉड से LOU इश्यू करके स्विफ्ट ट्रांजेक्शन की मदद से पूरा स्कैम को अंजाम दिया। फिलहाल पीएनबी ने अपने 10 एम्प्लॉयों को टर्मिनेट कर दिया है और आगे जांच चल रही है। पीएनबी का शेयर 9% गिर गया है और इसके साथ ही पीएनबी के इन्वेस्टरों को 3,000 करोड़ का एक दिन में नुकसान हो गया है।
तो ये तो रहा पूरे स्कैम की बात। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लेके आते रहते हैं। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।